हमारे भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो कि पूरी दुनिया में नहीं है? तो पिछले वीडियो में हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के बारे में देखा था, पराजी कॉट चलाने वाला एक मजदूर, और हम सब ये देखना चाहते कि हमारे भारत में बने नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज है। 19 जून को उद्घाटन हुए नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ 1750 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ है। और इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो आप ये छोटे छोटे तालाब देख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का वाटर स्टॉक है, जिससे अगर 2 साल तक यहाँ कहीं से पानी ना भी मिले तो भी यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है, टॉयलेट का या फिर और भी चीज के जो वेस्ट मटेरियल है, उसे यहीं पर रिसाइकल किया जाएगा, कहीं और नहीं। और साथ है यहाँ बिगेस्ट सोलर पार्क, यहाँ बहुत से अमाउंट में सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस करके यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया जाता है, और बची बिजली को ये राज्य सरकार को भी बेच सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है सेल्फ मेड ब्रिक्स। तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए ना जाने कितने ही ईंटों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो सवाल है कि इतने ईंटें आई कहाँ से? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो तालाबें बनने के लिए खुदाई की गई थी, तो उसके ऊपर की मिट्टी को रखकर जो अंदर की मिट्टी होती है, जो कि उपजाऊ नहीं होती है, उससे ईंटें बनाई गई, और उस ईंटों से यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके बाद बिग थिएटर एंड स्टेडियम, यूनिवर्सिटी के वाटर बॉडी के बीच में यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए एक बड़ा सा थिएटर बनाया गया, और इसके साथ साथ एक बड़ा सा स्टेडियम भी यहाँ मौजूद है। और नालंदा यूनिवर्सिटीज में 6 स्कूल के साथ साथ 4 यूनिवर्सिटी सेंटर्स भी हैं, और यहाँ एक 5-स्टार होटल की तरह एक बड़ा सा कैंटीन मौजूद है, जहाँ पर एक ग्लोब टंगा हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड को वसुधैव कुटुंबकम यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना से जोड़ता है। तो सिर्फ शीशे से बनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही यूनिवर्सिटीज नहीं होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है कि हम अपने इतिहास के आकार वाले इमारतें बनाकर भी टॉप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो मेड इन इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी अपने हूबहू पुराने स्वरूप को लेकर आधुनिक कौशल के साथ नालंदा वापस आ चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।